कोरिया ने आज करनाल के इंद्री के सरकारी अस्पताल में कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। इस मौके पर एसएमओ डॉक्टर संदीप अबरोल, डॉक्टर पंकज काम्बोज व इंद्री थाना प्रभारी सतपाल सिंह सहित कई अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में सुरेंद्र भौरिया ने कहा कि आज उन्होंने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। उन्होंने कहा कि उन सबसे अपील है कि कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों की पालना करें। वहीं एसएमओ डॉक्टर संदीप अबरोल ने कहा कि हमें सरकार के दिशा निर्देश हैं कि जितने भी 60 साल की उम्र से ऊपर के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन अवश्य किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी ऐसी कोशिश है कि जो लोग 45 वर्ष से ऊपर हैं और उन्हें बीपी व शुगर इत्यादि कोई बीमारी है तो वे लोग भी यहाँ आकर अपना सर्टिफिकेट बनवाए ताकि उनका भी वैक्सीनेशन जल्द हो पाए। डॉक्टर अबरोल ने कहा कि कोरोना के केस दोबारा से आने शुरू हो गए हैं, अब की बार पहले से भी ज्यादा केस इंद्री हल्के में आ रहे हैं। आज हमारा शनिवार को हम नॉर्मली अपना कोविड का वैक्सीनेशन हमारा नहीं हो रहा था, परंतु आज हमने क्योंकि हम कैंप मोड में चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं, तो इसलिए आज हमने स्पेशल कैंप लगा रखा था। हमारे एसपी जो सीएम सिक्योरिटी है मिस्टर सुरेंद्र भौरिया जी, उन्होंने अपना पहला कोवैक्सीन का शॉट वहाँ पे नेवल हमारा जो कमांडो कॉम्प्लेक्स है वहाँ लिया था, और आज इनको हमने कहा था कि हमारा यहाँ कैंप लग रहा है कोवैक्सीन का, तो ये स्पेशली आज यहाँ पर अपना कोवैक्सीन का सेकेंड शॉट लेने आए थे। कोरोना से बचाव के लिए क्या जरूरी दिशा निर्देश? जैसे कि सबसे पहले सरकार का हमारे को दिशा निर्देश हैं कि हम जल्दी से जल्दी जितनी हमारी 60 प्लस पॉपुलेशन है उन सब का वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। जितने भी 45 से ऊपर हमारे व्यक्ति हैं जिनको कोई भी शुगर, बीपी या लंबी बीमारी है, वो भी आकर अपना सर्टिफिकेट यहाँ से बनवा कर और उनकी भी हम वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करवाना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना का आपको जैसे पता है कि केसेस का नंबर एकदम बढ़ने लग गया है। लापरवाही का बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। हम अपने मास्क को, हम अपने हाथ धोने को, अपने सोशल डिस्टेंसिंग के जो प्रिकॉशंस हैं इनको बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। हमारे रोज़ 5 से 7 केस तो इंद्री एरिया के निकल रहे हैं, और जैसे आज भी मेरे पूरे ब्लॉक इंद्री के अंदर 11 केस निकले हैं, तो लगभग रोज़ इतना ही नंबर निकल रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पिछली वेव थी उससे ज़्यादा केसेस इस वेव में इंद्री ब्लॉक में निकल रहे हैं, तो मेरी सभी से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई काम के लिए, किसी भी कार्य के लिए घर से निकले तो बिना मास्क के ना निकले। हाथ धोने का प्रिकॉशन घर निकलने से पहले, घर आके और जहाँ मौका मिले अपना साबुन अपने पास रखें और अपना हाथ धोने का प्रिकॉशन जरूर रखें। कहीं भी ऐसी जगह जहाँ भीड़ ज़्यादा हो, चाहे त्यौहार हो या कुछ हो, जहाँ तक अवॉइड हो कर सकें, भीड़ में ना जाएं और लोगों से क्लोज कांटेक्ट में ना आएं। हाँ सर, देखिए जैसा आप जानते हैं आज सेकेंड डोज जो है कोविड की वैक्सीनेशन की लगी है, और आपके माध्यम से मेरी सबसे अपील है कि आप सभी इस वैक्सीन को लगवाएं, और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सर, ये कोरोना के केसेस दोबारा फिर से आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के, उसकी प्रिकॉशंस हैं, उसे लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।